आज धोलावटा क्षेत्र में एक हिमांशु टांक जो कि बीएसएल कर्मचारी था ने मानसिक अवसाद में आके सुसाइड कर लिया था। रात में बिना बताए घर से निकल गया था। घर वालों ने काफ़ी ढूंढा उसको लेकिन कहीं नहीं मिला। सुबह किसी मोहल्ले वाले ने बताया कि कुएं में कोई डेड बॉडी पड़ी है, वहाँ जाके देखा तो जब बाहर निकाला तब पता चला कि हिमांशु टांक है, पुत्र स्वर्गीय विजय सिंह धोलावटा निवासी। मानसिक अवसाद से काफ़ी दिनों से बीमार चल रहा था। घर वाले भी ने काफ़ी समझाने की दवाई दारू भी की लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा और अकस्मात कल रात को उसने जाके सुसाइड कर लिया। कहाँ का धोलावटा गाँव का। हाँ मैरिड है। हाँ कुएं में कूद के जान दे दी और शादीशुदा है और बच्चे भी हैं उसके। नया अभी जस्ट नया मकान भी बनाया, वेल सेट है, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं। क्या उम्र होगी? उम्र करीब इसकी होगी 35 के आसपास। कोई सुसाइड नोट वगैरह नहीं हुआ। घर वालों को तो सुबह अकस्मात ही पता चला गया। रात को टीवी चल रहा था, टीवी देखता भाई चला गया और टीवी चालू थी। घर वाले उसकी मम्मी वगैरह उठे थे, उन्होंने देखा भाई टीवी चल रही है, कहाँ है आसपास नहीं देखा, तो लोगों को मोहल्ले में बोला नहीं मिला। फिर सुबह अकस्मात ये समाचार मिला कि भाई कुएं में कोई गिरा हुआ है। जब उसे बाहर निकाला तो पता थाने पे अलवा गेट थाने पे। आपका नाम? गोपाल सिंह चौहान, वार्ड 36 से पार्षद जी। माइकिंग देखिए। आज सुबह करीब 8:15 के लगभग थाने पर टेलीफोन पर सूचना मिली कि धोलावटा गांव के अंदर छोगा जी के कुएं में एक व्यक्ति की लाश पड़ी है, जिस पर मैं मौके पर पहुंचा जहां ये लाश कुएं में तैर रही थी, जिसको स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाल करके आस पड़ोसियों को दिखाया तो उन्होंने बताया कि ये विजय सिंह का लड़का हिमांशु उर्फ सालू है, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, जिसका कार्रवाई के बाद में पोस्टमार्टम हेतु चीर घर में ला करके रखाया गया है। पोस्टमार्टम कार्रवाई चालू है, आगे जांच जैसी शुरू होगी वैसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोई शक सुबह नहीं जाहिर किया, अभी जांच जारी है। क्या बताया आपको? अभी कोई कारण सामने नहीं आया है।